तो स्वागत है आप सबका आज के नए ब्लॉग में। आज का ब्लॉग ब्लॉग नहीं, आज की मेरी जर्नी है। जब मैं पहली बार मुंबई आया था मैंने क्या किया था, पहला स्टार कौन देखा था, पहली बार कहाँ गया था, कहाँ रहा था, क्या खाया था, सब मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। अभी जहाँ मैं आपको लेके जाऊँगा ना, वहाँ मैंने पहला अपनी लाइफ का ऑडिशन दिया था। वो ऑडिशन था जेके पुट्टी सीमेंट का शायद, तो चलो दिखाता हूँ मैं। तो यहाँ मैंने अपनी लाइफ का पहला ऑडिशन दिया था, तक्ष में मैंने अपनी लाइफ का पहला ऑडिशन दिया था जेके का, जेके बॉल पुट्टी का। काफ़ी अच्छा गया था और हम तीन लोग गए थे ऑडिशन लेने के लिए। मैं गया था, योगी गया था, सिद्धार्थ गया था, तीनों के तीनों सेलेक्ट हुए थे। काफ़ी अच्छा ऑडिशन गया था, पर दिक्कत ये थी जो हमारे बाद में बंदे आ रहे थे, हमें एक्सपीरियंस नहीं था कि ऑडिशन कैसे दिया जाता है। तो जो बाद में आ रहे थे वो पहले देखे जा रहे थे, और हम जो पहले आए थे वो लेट तक वहीं पर रुके हुए थे। क्या बहुत फेमस स्कूल है जानकारी भी। देखो वैसे तो इस रोड पे ना बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेज हैं, बहुत सारे ऑडिशन देने के लिए स्टूडियो हैं, लेकिन हमें उन चीज़ों से मतलब नहीं, क्योंकि मैं यहाँ अपनी पहली जर्नी दिखाने वाला हूँ। जब मैं पहली बार 2018 में मुंबई आया था, अभी का सीन ऐसा है कि हम अभी आराम से पार्ट टू जाएंगे। हाँ, मैंने सबसे पहले ऑडिशन दिया था, वहाँ पर सिलेक्ट हुआ था, वही किंगफिशर प्लेयर का था, तो मैं वही दिखाने के लिए लेके जा रहा हूँ। उसके बाद जाएंगे हम सीधा परसों का बीच। वैसे शायद यहाँ पे एंट्री अभी काफ़ी कम है, लेकिन मैं दिखाता हूँ आपको जब मैं पहली बार यहाँ आया था मेरा कैसा एक्सपीरियंस था। दो हज़ार अठारह के बाद ना मैं तीसरी बार आ रहा हूँ इस बीच पे, इसको कहते हैं वर्सोवा बीच। पहली रात मैं वहाँ बैठा हुआ था, मैं दिखाता हूँ, दिख रहे दूर वहाँ हम पहली बार आए थे, वहाँ बैठे थे, वहाँ बैठ के हम कुरकुरे कोटिंग वगैरह ले रहे थे। इसकी ना एक बहुत बड़ी दिक्कत ये कि यहाँ बहुत खाने पीने वाले मतलब शराबी लोग बहुत आते हैं, तो यहाँ पर ज़्यादातर पता मौसम में बारिश हो रहा है, ज़्यादा चलते हैं आगे की तरफ। देख सामने देख रहे हो ना ऊपर, यहाँ मैंने पहला ऑडिशन दिया था किंगफिशर का और मैं सिलेक्ट हुआ था 2018 में। तो यहाँ पे खड़ा हुआ था मैं और मेरे साथ जो भी थे मेरे दोस्त वगैरह, और शाम हो गई थी ऑडिशन दिखाते दिखाते, लेकिन हम फाइनली सिलेक्ट हो गए थे किंगफिशर के ऐड के लिए, बट फिर पता नहीं क्या बना नहीं कर पाए। और आपको लगा बहुत ज़्यादा क्योंकि पूरे दिन की मेहनत थी, बहुत मेहनत करते हैं लोग, और जब उसके बाद सिलेक्ट होकर भी मुझे काम नहीं मिलता ना बहुत लोगों को, चलो कोई नहीं, वो बातें बीत गई। उसके बाद हमने काम किया, जैसा भी काम किया जो भी काम किया मैं आपको सब दिखाऊंगा धीरे धीरे। चलिए आगे चलते हैं। अब आरम नगर की ना मैं आपको एक बार बता दूँ, यहाँ पर बहुत सारे ऑडिशन चलते रहते हैं। अभी जब तक कोरोना आया है तब से ऑडिशन तो बहुत कम हो गए, ऑनलाइन ही ऑडिशन ज़्यादा हो रहे हैं, जो ऑफलाइन जाके देते थे वो बहुत कम हो गए। ये यहाँ का ना 24/7 है, मैं और मेरी टीम यहाँ पर रात के वक्त जितना भटके हैं ना हम सारे, 1 बज रहा 2 बज रहा 3 बज रहा, किसको भी कॉफ़ी पीनी है कुछ खाना यहीं पे आते थे सारे, जिसमें मैं था, मेरा दोस्त सुरेश और राधिका, हम तीनों की तिकड़ी हमेशा आती ही आती थी।
जी मैं यहीं पे मैंने सबसे पहले गौहर खान और प्रिंस नरूला को देखा था, यही मूवी है। One eternity later. सेंट मैरी स्कूल है, यहीं पे खड़ा कर रखा था उस दिन, उस रात को यहीं पे खड़ा हुआ था। यहाँ से हमने पहली बार अपना पहला लैब का पराठा खाया था और वड़ा पाव खाया था। वो जगह दिखाता हूँ, यहाँ खड़ा हुआ था मैं उस रात को। यहाँ कुछ ऐसा था, मेरा पहला दिन मुंबई का 2018 का, लोगों ने ऐसे ही खड़ा रखा यार दोस्तों ने, और हमने जो जो किया मैंने आपको दिखाया। किया तो बहुत सारी चीज़ें थी, शायद मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं दिखा पाया, नहीं कवर कर पाया, क्योंकि उन्हें भी काफ़ी टाइम हो चुका है और बहुत सारी चीज़ें बन गई है। तो आज के ब्लॉग जैसे भी लगा हो आपको बताना, मेरे तो लाइफ का पहला एक्सपीरियंस था मुंबई का। तो इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करता हूँ, मिलेंगे आपसे अगली बार एक अच्छी वीडियो के साथ।